यहाँ पंडाल में पधारे हुए मेरे समाज के सभी भाई बहने माताएं दूर दूर से पधारे हुए, हमारे गुजरात से भरूच से आए हुए टीम रमेश देव सावा, डूंगरपुर से आए हुए बेलाराम जी गोगरा साहब, यहाँ की टीम डॉक्टर देव और दुष्ण भाई राजू भाई और शासन प्रशासन से पधारे हुए पुलिस प्रशासन के भाइयों, सिंचाई विभाग से भी आए हैं तो उनको भी, और आईबी सीआईबी जो भी इधर प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं उन सबको हमारा आदर पूर्वक जोहार, सबको जोहार। यहाँ आज एक कोई भी राजकीय पार्टी नहीं, वो आदिवासी समाज का मंच रखा हुआ है और आदिवासी समाज इकट्ठा होकर अपन के सामने जो जो मुश्किल आ खड़ी प्रशासन से अधिकारियों से कहीं ना कहीं गुमराह करके विकास के नाम पे जो आदिवासियों का विस्थापन का प्रलोभन किया है, योजनाएं बनाई है, कहते हैं कि आदिवासियों का विकास होगा, लेकिन आज तक 1950 से आज तक जहां भी देखे, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार, मणिपुर, वगैरह कहीं भी आदिवासियों का विनाशी हो रहा है। कोई लोग कहते हैं ये आदिवासी विकास के आगे आते हैं। अरे भाई साहब, विकास तो हमको भी चाहिए, हम भी विकास से जुड़ने से आते हैं, लेकिन हमारा विनाश करके विकास करोगे क्या? वो तो हमको सुनो, हमारा विकास आप बताओ तो सही, कैसे आप हमारा विकास करने जा रहे हैं? यहाँ बातें करने के लिए तो बहुत है, हमारे इंतजार करते करते आप सब थक गए, धूप भी बहुत बढ़ रही है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, बातें करने का तो हमको 2 घंटा दो, 3 घंटा दो भी कम पड़ता है, लेकिन हाँ जो आप उपस्थित हुए हैं आदिवासी महापंचायत में, इस महापंचायत के द्वारा यह शासन प्रशासन जो भी आया है उनके बदौलत हम सरकार का कमाल पहुंचाना चाहते हैं। भाई बहुत हो गया, आज दिन तक आपको जो भी किया वो हमको सह लिया, आप विकास के नाम पे आदिवासियों की जमीन देने की सोचना ही बंद कर, हम एक इंच की जमीन आपको देने वाले नहीं है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, भारत देश के कहीं भी आदिवासी इलाके में आपको जमीन नहीं मिलेगी। ये कैसे नहीं मिलेगी वो कोई सुनना चाहता तो मैं कह रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं हम लोगों को इकट्ठे करके जो भारतीय संविधान की बातें करते हैं तो कहते हैं शासन प्रशासन हम 144 लगा के आपको अरेस्ट कर ले, हम चैलेंज करते हैं आपको 144 लगा लो, हमको अरेस्ट कर लो, हम अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब आप ये भी सोच लो आपके पास 144 है तो हमारे पास 244 है, हमारा आदिवासी परिवार 244 का ग्रहण नहीं करता है, उनका अभ्यास नहीं किया है, इसलिए 144 से डरते, 144 से प्रावधान है, यह हमारा स्वशासन का अधिकार है, ये व्यर्थ
जो शेड्यूल एरिया है, जो अनुसूचित 5 का एरिया है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वशासन का अधिकार चलता है, आदिवासियों का अधिकार चलता है, यहाँ शासन प्रशासन का अधिकार चलता नहीं है। लेकिन वहां भी हमको गुमराह करके उनके शासन व्यवस्था में घसीट गए हैं, इसलिए उनको कायदे कानून लागू पड़ते हैं। भाई साहब, उनका कायदा कानून ठुकराओ, अपना कायदे कानून अपनाओ, तो आपने सारी दिक्कत अपना कायदा कानून लगाना। ये हम हमारे घर से बात नहीं कर रहे हैं, आप देख लो संविधान में बिना दिन के में अपने व्यवस्था की हुई है, स्वशासन का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 19(5) में देख लो, वहां भी स्वशासन का अधिकार दिया है और सब नियंत्रण अपने हाथ में, बाहरी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान में भी ऐसा क्यों हुए, तो हमारे घर की वैसा नहीं है। और 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में संपूर्ण स्वशासन का नियंत्रण है, अधिकार है। और भी कहा है 244(1) में अनुसूचित क्षेत्र में 5(13) एक विधानसभा संसद द्वारा बनाए हुए कायदे कानून इस क्षेत्र में लागू नहीं पड़ते। भाइयों, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संविधान बोल रहा है, संविधान का कलम बोल रही है, अनुच्छेद बोल रहा है, वो फैकली व्यवस्था संविधान में की हुई है। लेकिन कोई आज दिन तक प्रतिनिधि अधिकारीगण अपन को अपना रास्ता अपना घर बताया नहीं है, तो उनके घर में घसीट घसीट के अपन को ठोक रहे, मार रहे। तो बचना है तो अपनी व्यवस्था में आ जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं अपना बिगाड़ सकता। आओगे ना, ना भी नहीं आना, अपनी व्यवस्था का समझा ही नहीं, अपनी खुद की व्यवस्था समझो क्या नहीं समझे, तो उनके लिए भी शिविर लगाएंगे। आप बुलाए हमको, उनका भी टाइम लेके हम आएंगे, आपके पास कुछ भी धंधा और पैसा नहीं लेंगे, आपको पूरे को पूरा बताएंगे, उसकी प्रथा बताएंगे, उसको कैसे स्थापन करना है वो भी आप सबको हम बताएंगे, रूढ़ी प्रथा स्थापन करेंगे, करोगे ना? यस। रूढ़ी प्रथा अपना शासन है, वो संविधान में देखा दिया है। साथ में साथ मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, और जो महत्वपूर्ण जो बातें वो आपको बता रहा हूं। यहाँ 1988 में का हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वहां स्पष्ट लिखा है बंधारण में कोई भी प्रावधान हो, फिर भी अनुसूचित विस्तार में बिन आदिवासी की जमीन मिलकर आदिवासी सिवाय और किसी को हस्तांतरण कर नहीं सकते। जैसे आदिवासियों संपत्ति पर उनका आजीविका के संस्कृति आधार जमीन बनी रही, कोई भी अपनी जमीन हत्या नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन। यहाँ समता जनमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का जनमेंट है, अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति समान है, स्पष्ट लिखा है कि इस क्षेत्र में केंद्र या राज्य सरकार की इंच भी जमीन नहीं है, सारी जमीन अनुसूचित क्षेत्र में अपने मालिकाना हक है, हम मालिक है। यह सरकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फॉरेस्ट विभाग के एक इंच की जमीन है। तो हम आप सबसे पूछना चाहते हो, शासन प्रशासन और आप सब प्रजा से, क्या गहलोत सरकार आदिवासी है? क्या सरकार आदिवासी है? क्या केंद्र सरकार आदिवासी है? क्या तो कैसे हमें जमीन लेते हैं भाई? तुम तो पहले आदिवासी हो ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है? तो आपको सुप्रीम कोर्ट का रुपया मांगा कर रहे हैं। सरकार संसद से और सरकार से सबसे राष्ट्रपति से ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सबको उस जजमेंट को पालना पड़ता है और उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है।
फिर भी ये लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ऐसा दूसरा एक स्टेटमेंट है वेदांता दिवस 2013 का, अनुसूचित पांच क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा परिषद सर्वोपरि नहीं है, रूढ़ी और प्रथा मुझे की ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। ग्राम सभा का जो निर्णय होता है वो उसको उसका निर्णय का सुप्रीम कोर्ट पे ठुकरा सकती नहीं है, वो अक्सर सा पालन करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी ताकत संविधान में भी है तो क्यों भाई उसको हाथा हाथा पाई कर हाथाजोड़ी कर रहे हैं? अपन को हाथाजोड़ी करने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। और अब मेरा वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ, टाइम बहुत हो रहा है, कुदरती भी साया कर दिया है, धूप बहुत पड़ने के देखो पता ला दिया। वो क्या है, हम कुदरती परिवार है ना, तो कुदरत देखता है हमारा बच्चा कहाँ है, इसको धूप पड़ने क्या है, तो देखो साया कर दिया। तो फिर भी आप सबके हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये डैम बनाना नहीं है, बनने लगा क्या? नहीं। आपको विस्थापित होता है? नहीं। आपको नहीं होना विस्थापित? नहीं होना है, किसी को होना है, बोल नहीं। आप क्या जमीन ज्यादा घर छोड़ के इधर से भागता है क्या? नहीं नहीं भागता है, तो साथ देगा क्या? यस। आपके लिए सरकार के सामने कानूनी तौर पे हम लड़ने को तैयार है, संविधानिक तौर पे, तो आप सहकार देंगे क्या? यस। आप सब हमारे साथ हैं नहीं? यस। आप सब लोग हाथ उठा करके समर्थन करें, सब लोग हाथ उठा करके समर्थन करें। देख लीजिए भाई, भी आईडी सीआईडी पुलिस प्रशासन लोग ये हाथ ऊंचे रखो, देखो किराए वाले नहीं बैठे, आप देख लेना, सब हाथ ऊंचा रखे, सब हाथ ऊंचा रखे, सब हाथ ऊंचा रखे, वीडियो लीजिए, देख लीजिए, ये तो सिर्फ झलक है, आगे लड़ाई बाकी है, ये तो शुरुआत हुई है। और सब शासन प्रशासन राज्य सरकार और केंद्र सरकार देख ले, किसी की भी हो हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। इस वीडियो को सुरक्षित रखिएगा, ठीक है राजू भाई? तो सब तैयार हो जाओ, कहीं भी रूढ़िगत ग्राम सभा की जरूरत पड़े तो ग्राम सभा वालों, और चाहे भी आदिवासी महापंचायत करते हो, सब भाई बहन वहां आके समर्थन करें, करेंगे ना? जोहार जय आदिवासी। एक तो सुना नारा बोलते बैठ जाता हूँ, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, सबको जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी भाई साहब, बहुत ही शानदार बात बताई, मेरे भूल जाती हूँ, और हाथ भी जरिए